अरे नमस्ते सुहास जी। अरे नमस्ते शर्मा जी, आइए आइए अंदर आइए। अरे बेटा, शर्मा अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। बेटा तुम स्कूल जाते हो? हाँ अंकल। तो तुम्हारे स्कूल में ये नहीं सिखाते कि जब घर में मेहमान आए तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए? अरे मेरी बेटी तो इतनी संस्कारी है, तुम तो उसकी पेशाब भी पीने के लायक नहीं। अरे बेटा अंकल के पैर छुओ। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो। अरे बेटा छुओ। नहीं नहीं बेटा, मत छुओ। छुओ मत छुओ। मारो, मुझे मारो, मारो, नहीं मुझे नहीं नहीं मारो, यार। मारो। अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अंकल जटिल। अच्छा नाम है। वैसे बेटा तुम्हारे हाथ में क्या है? अंकल मोबाइल। क्या तुम इतने कम उम्र में मोबाइल लेते हो? शर्म नहीं आती? अरे मेरी बेटी तो मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाती है। अरे वो तो उस आदमी को भी हाथ नहीं लगाती है जो मोबाइल को हाथ लगाता है। अरे अंकल ऐसा है तो फिर आप कभी नाना नहीं बन पाएंगे। तो बेटा तुम्हें नाचना आता है? नहीं अंकल। तो ठीक है बेटा, नाच के दिखाओ। अरे अंकल मुझे नाचना नहीं आता। क्या तुम्हें नाचना भी नहीं आता? अरे मेरी बेटी तो ऐसी नाचती है कि माँ कसम दुनिया हिला देती है। काश मेरे सामने नाचते तो मैं भी हिलाता। क्या? अरे अंकल हाथ ऐसे। हाय मैं ही हूँ आपके पापा का दोस्त का बेटा जो आपकी पेशाब भी पीने के लायक नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हें गाना गाना आता है? हाँ अंकल। तो ठीक है, एक कविता सुनाओ। पर अंकल अरे बेटा परवर कुछ नहीं, एक कविता सुनाओ। ठीक है। हमारे घर में आया है एक भड़वा, उसने आते ही लगा दी मेरे लोग। अपनी बेटी की बात बोल बोल कर पका दी है कान, लग रहा है ऐसा कि मार दो उसके कान। तुम्हारी पेटी के अंदर एक भयानक आत्मा